हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन लर्न कंप्यूटर हिंदी। दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बी लुकअप वॉस बी लुकअप। जी हाँ, क्या बी लुकअप से भी कुछ बेटर है? आज हम इस वीडियो में सीखेंगे बी लुकअप वॉस बी लुकअप, यानी कि बी लुकअप के ऐसे तीन चार तरीके सीखेंगे जो कि फर्स्ट यूज करने से बेटर देन सेकेंड है, सेकेंड यूज करने से बेटर देन थर्ड है, थर्ड यूज करने से बेटर देन फोर्थ है, यानी कि मल्टीपल टाइप ऑफ बी लुकअप सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ये डेटा देख लीजिए, सुपरस्टार के हैं शाहरुख खान, एमएस धोनी, सलमान खान, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस के लिए हमने रखा है। और ये उनके सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, आईटी, टोटल मार्क्स ग्रेड पाए हैं, ठीक है। और ये उनके मार्क्स है। अभी हमको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रोल नंबर, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 में लिखना हो तो 10 का पूरा डिटेल यहाँ पे निकल के आता है। तो बी लुकअप होता ही है बेसिकली पर्टिकुलर यूनिक आईडी से, प्रोडक्ट आईडी से बाकी का सारा रिलेवेंट डेटा ट्रैकिंग करने के लिए होता है। और ये कंपनी मोस्ट ऑफ द पूछे जाते हैं, और ये मतलब बोन ऑफ द कॉर्पोरेट बोल सकते हो कि ये बी लुकअप किधर भी जाओगे, बी लुकअप, एच लुकअप, पिवट टेबल, ये सारे पूछे ही जाते हैं। चलिए इसको सीखते हैं किस तरह से यहाँ पे बी लुकअप आया है। अगर आपने बी लुकअप बेसिक सीखा नहीं है तो मेरे बाकी के वीडियो देख के सीख सकते हो। चलिए यहाँ पे भी एक बार रिवीजन करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर रोल नंबर की जगह पे हमने 10 लिख के रखे हुए हैं और यहाँ पे आते हैं इज इक्वल टू बी लुकअप आपको टाइप करना है। डेटा आने के बाद टाइप मार दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्या बोलता है, लुकअप वैल्यू, यानी कि किसका वैल्यू आपको देखना है। हमने बोला इसका वैल्यू हमको देखना, उस चीज, उस रोल नंबर या जिस जगह पर आप आईडी लिखने वाले उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओके। देन कॉमा, कॉमा से क्या होता है, यानी कि इसका टास्क कंप्लीट हुआ, अब ये नेक्स्ट पे मूव हो गया। नेक्स्ट क्या बोलता है, टेबल एरे, यानी कि टेबल एरे, ये रिलेवेंट डेटा आपका कहां से कहां तक, ये पूरा टेबल ले लीजिएगा, ठीक है। टेबल ले लिया, टेबल लेने के बाद कॉमा, देन बोलता है कॉल इंडेक्स नंबर, यानी कि कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि रोल नंबर हमें पता है और रोल नंबर के बेस पर हमको नाम फाइंड आउट करना है, भाई ये 10 रोल नंबर किसका है, तो ये नेम है, तो यानी कि जहां से आपने बॉर्डर सेलेक्ट किया है जिस जगह से वहां से काउंटिंग करना है, कॉलम नंबर कितने पे है, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, क्योंकि ये नेम 2 कॉलम पे है जिस जगह से बॉर्डर, अगर मेरा बॉर्डर यहां से है तो ये मेरा कितने नंबर कॉलम पे हुआ, नेम 1 हुआ, ठीक है, ये बॉर्डर का ही सब गेम है, ठीक है, ओके। तो फिलहाल हमने 2 ले लिया। नेक्स्ट अप्रोक्समेट और एग्जैक्ट में, अप्रोक्स मतलब सेम टू सेम, अप्रोक्स मतलब होता है लगभग मिलता जुलता, और एग्जैक्ट मतलब सेम टू सेम। इस कंडीशन में हम सेम टू सेम लेंगे तो उसके लिए कोड है 00 प्रेस कीजिए, और अप्रोक्स के लिए 1 होता है, ठीक है। अभी हमने इंटर मारना है, ये देखिए रोल नंबर 10 पे ये कैटरीना कैफ है, तो रोल नंबर 1 पे कौन है, रोल नंबर 1 शाहरुख खान का है, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबा के आप राइट एरो से आइए और कंट्रोल आर, यार तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए इससे क्या हो रहा है, बाकी का सारे लोगों का डेटा, मतलब उनका रिलेवेंट सारा उनका डेटा आ जा रहा है। ये देखिए, ये मैच कर लीजिएगा, ये मैच कीजिए, ठीक है। रोल नंबर अगर 10 का हम लिखते हैं तो ये देखिए रोल नंबर 10 का भी पूरा डिटेल आके यहाँ पे डिटेल आ गया। तो इस तरह से बी लुकअप आप यूज करना है। लेकिन इस फर्स्ट स्टेप में, ये जो फर्स्ट स्टेप है हमारा ये बी लुकअप का जो हम लोग ये कंप्लीट कर रहे हैं, इसमें एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज ये चीज है, हमने तो बॉर्डर ये सेलेक्ट किया, रोल नंबर से बाकी का डेटा लाना चाहते हैं और बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, बट अगर आप यहाँ पे आके F2 मारते हो या डबल क्लिक करते हो, देखिए ये बॉर्डर क्या हुआ, ऑटोमेटिक मूव हो गया। और देखो वैल्यू हमको ट्रैक करना था इससे, और ये दिखा रहा है यहाँ से। चलिए अगर हिंदी पे भी आते, देखिए हमको ट्रैकिंग करना था रोल नंबर से, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये नेम से ट्रैकिंग हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेम से अगर ट्रैकिंग हो रहा है, ठीक है, कैटरीना कैफ, अगर यहाँ पे 2 बार कैटरीना कैफ आते हैं, ठीक है, तो देखिए आंसर क्या दे रहा है, ये इसका आंसर दे रहा है, ओके। उसने फाइंड आउट किया फर्स्ट, उसने क्या फर्स्ट फाइंड आउट किया, क्योंकि आपने बॉर्डर लॉक नहीं किया, तो ये फर्स्ट कैटरीना कैफ उसको बी लुकअप में मिला फर्स्ट, एंड देन उसका रिलेवेंट सारा डेटा यहाँ पे लाके दे दिया, ठीक है। ये देखें 89, 86, ये सारी चीजें उसके डिटेल दे दिए। हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं, तो ये एक तरह से ठीक भी है और थोड़ा रिस्की भी है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है, अगर हम लोग दूसरा यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, चलिए हाईलाइट करते हैं इसको भी,
दूसरा बी लुकअप क्या है, सेम वही तरीके है, थोड़ा सा हम लोग इसमें ट्रिक्स में चेंजेस करेंगे, इज इक्वल टू बी लुकअप। बी लुकअप मारा, टैब मारना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको ना ये जो होता है F4 मारना है इसको। F4 से क्या होता है, बॉर्डर लॉक हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि A मतलब कॉलम होते हैं और नंबर 17 है, ये रो है, यानी कि अल्फाबेट के सामने डॉलर आना चाहिए और नंबर के सामने डॉलर आना चाहिए। इसका मतलब वो होता है कि भाई ये इस सेल को लॉक करके रख लिया है, ठीक है। जब कॉपी पेस्ट करेंगे इसको वो छोड़ेगा नहीं, इसको साथ में लेके जाएगा। ओके, कॉमा देते हैं, कॉमा देने के बाद टेबल एरिया। तो टेबल एरिया भी सबके लिए सेम है, हर एक वैल्यू के लिए सेम है, हर एक जिसका डिटेल निकालना है इसको भी F4 मार के लॉक कर दीजिए, ठीक है। ओके, देन आपको यहाँ पे कॉलम नंबर लिखना है। कॉलम नंबर क्या है, ये कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 लिखना है, कॉमा 0। इसमें क्या है, आंसर तो आ जाता है। अब देखिए ड्रैग डाउन करो, अगर यहाँ से ड्रैग डाउन करो आंसर तो आता है, लेकिन सब में कैटरीना कह पाता है, क्योंकि आपने कॉलम नंबर क्या रखा है, ये 2 रखा है। तो ये अब जो हिंदी है 1, 2, 3 पे है, तो आपको ये 3 करना है, ठीक है। अगला क्या करना है, 4 करना है, ठीक है। इस तरह से आप अगर चेंजेस करते हो तो बाकी सारे डेटा चेंज हो सकता है। क्या इससे भी कोई इजी शॉर्टकट है, क्या कर सकते हो? हाँ, इससे भी एक इजी शॉर्टकट है। अब मान लो आप ये जो जितना कॉलम नंबर वो लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। हमने यानी कि कॉलम नंबर लिख के रख दिया यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम दूसरा वाला, ये दूसरा वाला जिस तरह से हमने बी लुकअप मारा, ये मारना है यहाँ पे इक्वल टू बी लुकअप। टेबल एरिया ये है, इसको F4 से लॉक कीजिए, कॉमा आगे बढ़िए, इसको टेबल लॉक कीजिए, लॉक किया, देन कॉमा, कॉलम नंबर की जगह पे आपको इसका चाहिए, ये लो 0, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये देखिए, अब इसको सेलेक्ट कीजिए, ये एक झटके में आंसर आ गया, ठीक है। देखिए 10 का डिटेल ये आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या माइनस पॉइंट है, सपोज कोई चीज यहाँ से डिलीट होता है, ठीक है, तो इधर वैल्यू गलत हो सकता है, यानी तो अगर आपने डेटा यहाँ पे चेंज किया तो ऑटोमेटिक इधर भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसमें भी ये भी चीज ध्यान रखना है, या आप इसको क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करके इसको हाइड कर सकते हो, या नहीं तो व्हाइट कलर से इसको कर सकते हो ताकि किसी को दिखे ना, या नहीं तो उस सेल को प्रोटेक्ट कर सकते हो पासवर्ड से, कोई उस सेल को डिलीट ना सके। चलिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, ये थर्ड भी हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ध्यान देना चाहिए। सेम आपको टाइप करना इज इक्वल टू, फोर्थ वाला सीखने से पहले जान लीजिए, हमको कोल इंडेक्स नंबर पूछता है, कॉलम नंबर पूछता है। तो कॉलम नंबर ऑटोमेटिक लाने के लिए एक फॉर्मूला है, इज इक्वल टू COL कॉलम्स आया, आप जिस चीज पे सिलेक्ट करोगे उसका कॉलम नंबर बताए, कॉलम नंबर 2, तो ये ऑटोमेटिक देखेंगे सबका कॉलम नंबर दे रहा है, 2, 3, 4, 5, यही तो चाहिए फॉर्मूले में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है, F4 से लॉक करना है, टेबल एरिया सेम वही डेटा सेम करना है, लॉक करना जरूरी है, ठीक है। देन कॉमा, इसके जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, COL कॉलम करते हैं, कॉलम फॉर्मूला लेते हैं। अब रो कॉलम नंबर की जगह पे ये हेडिंग्स क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज करते हैं, कॉमा 0, ठीक है। और ये रहा इसका आंसर। आप इसमें आपको बार बार कॉलम नंबर लिखना नहीं पड़ेगा, ये देखिए आ गया सेम टू सेम आंसर। ये चौथा बेटर है, लेकिन चौथे में एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, आपको पता रहे। अगर सपोज ये ए हो है ना, जो कॉलम ये 1 होता है, ये 2 होता है, 3 होता है, इस तरह से दिया। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक मार के इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, इंसर्ट करने के बाद देखिए इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अब सपोज यही देखिए इक्वल टू COL कॉलम्स आया, इसको सेलेक्ट किया था, अब ये क्या हुआ, 3 हो गया, ठीक है। लेकिन हमने बॉर्डर जो है, हमने बॉर्डर यहाँ से सेलेक्ट किया, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो ठीक है ये 2 हुआ ना। तो इसको अगर फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे आप पुट करते हो, ये जो आपने ये फॉर्मूला पुट किया है यहाँ पे, ये तो इसको 3 समझ रहा है, इसीलिए देखो इसका 3 का वैल्यू दे रहा है, ये इसका वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितना कॉलम आगे है उतना लेस कर दो इस फॉर्मूले में। तो इधर आओ और यहाँ पे आके अभी कितना आगे कॉलम छूटा है, 1, तो -1 कर दो, ठीक है। और उसके बाद सेम
इसको ड्रैग डाउन कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब अगर दो छूटते हैं, अगर दो कॉलम आप इंसर्ट करते हो तो आपको यहाँ पे माइनस टू करना है, ठीक है। तो ये है कमाल की चीज, आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। बेटर देन बेटर क्या बी लुकअप यूज कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी आज में बया। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू।